सुबह सुबह जब मैं आ गई ना, तो ये पक्षी भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको हर रोज़ की तरह आदत होती है कि जब भी मैं ऊपर आती हूँ तो कुछ ना कुछ उनके लिए खाना लेके आ जाऊँ। तो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आज की जो दिन है वो आप सबके लिए बहुत ही आनंददायी जाओ और सबको अपनी हिस्से की खुशियाँ मिले, यही बोलते हुए आज के दिन की शुरुआत मैं करूँगी। मैं आ गई हूँ टेरेस पर वॉक करने के लिए और पहले ले लूँगी भगवान के लिए फूल, जो कि मेरे ही आंगन में खिले हैं और मेरे ही मेहनत का ये फल है जो मुझे बहुत खुशी देते हैं इनको लेते समय। तो आज ना सूरजमुखी थोड़ा जो फूल है जो आपने पहले वाले वीडियो में देखा था वो ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। तो उसको देखिए, पहले ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, मेरे दोनों हाथ मिलकर जितना होता है ना उतना बड़ा वो फूल हो गया है। तो अभी अभी मेरे हस्बैंड भी उसी का फ़ोटो ले रहे थे ताकि मोबाइल पर जो डिस्प्ले होता है उसका उनको फ़ोटो लगाना था, और बहुत ही सुंदर एक फूल है वो, तो उसी का फूल का फ़ोटो लिया। और देखिए आ गए, मेरे हस्बैंड उसको खाना भी दे रहे हैं, और देखिए झट 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 इकट्ठा हो गए हैं। उनको पता है ना अब खाना मिलेगा, एक ही प्लेट में डाल दिया है उनको। तो कल रात ना थोड़ा सा डोसा बचा था और थोड़ा सा चावल, तो वो खा रहे हैं। यहाँ जो बालसम का पौधा है अब उसका एज हो गया है और उसी के कारण उसके फूल अब थोड़े से कम हो गए हैं, क्योंकि आपने आने पहले वाले वीडियो में देखे होंगे ये पूरी जो डंडी थी फूलों से भरी थी, लेकिन अब ये कम हो गया है और इन फूलों की जगह दिख रहे हैं इनके बीज, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ग्रो हो गए हैं। इस तरह से सफ़ेद वाले ये जो बीज होते हैं इनको निकालने से इनके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर से काले काले बीज निकलते हैं इस तरह से। तो इनको हम ग्रो करेंगे ना, ये जो काले होते हैं इन्हीं को ग्रो करना पड़ता है, और जो सफ़ेद है उनका कुछ फ़ायदा नहीं है, ये अभी प्रॉपर नहीं हुए हैं। तो इनको डालेंगे तो ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत सारे बीज ही तैयार हो गए हैं इस तरह से। जो सफ़ेद होते हैं ना उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जो काले काले होते हैं इस तरह से काले, तो इन काले फूल बीज होते हैं ना इन्हीं का यूज़ हमें करना चाहिए, तभी वो अच्छे आते हैं। और कल ना थोड़ी सी बारिश हो गई थी, मतलब बहुत ही थोड़ी सी स्प्रिंकल सा हो गया था, तो मैंने कल शाम इनको पानी नहीं डाला था, और अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि क्या हो जाता है ना दोपहर होते होते धूप निकलने लगती है और जो सॉफ्ट वाले प्लांट्स होते हैं ना वो थोड़े से मुरझा जाते हैं। तोरेनिया बहुत ही अच्छे से खिला है और हर एक तोरेनिया के पीछे बीज का बंच तैयार होगा, तो कोशिश इस टाइम मैं करूँगी कि बहुत अच्छे से उनको कलेक्ट करने की और नेक्स्ट टाइम ग्रो करने की। और इधर जो है ये सभी मैंने रख दिए हैं बीज के लिए, आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के बीज हो जाएंगे, तो उसी के लिए रख दिए हैं। और इधर जो बालसम है इनमें देखिए फूल अब खिल रहे हैं, तो ये वाला कितना सुंदर सा है। ये सभी बालसम जो है ना इसके है, क्या बोलते हैं उसको, डबल पेटल के हैं, तो इसीलिए मैंने रखे हैं।
नेचर ना हमें बहुत कुछ दे देता है और हमसे बिना कुछ डिमांड किए, हमसे बिना कुछ तकरार किए नेचर सिर्फ देता रहता है, देता रहता है। तो हमारी भी छोटी कोशिश होनी चाहिए कि नेचर को हमें भी कुछ वापस देना चाहिए। नेचर को हमसे कुछ बिना मांगे ही वो देता है ना, तो हमसे थोड़ी सी वो अगर कोशिश रहेगी तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के लिए हम एक अच्छा सुकून वाला दिन दे सकेंगे। तो अभी तो पक्षियों का खाना चालू है और मेरे लिए अभी आज से लेकर 8-10 दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम होने वाला है गार्डन में, क्योंकि इधर बहुत सारा काम निकलेगा। मैं अभी जो बाहर घूमने गई थी तो तब मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था, तो अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि गार्डन एक ऐसा होता है ना, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना ही पड़ता है। तो अभी वो जो काम नहीं किया है उसका लोड सब आ जाएगा और मैं आज से लेकर 8-10 दिन तक काम करती रहूँगी और जो काम करूँगी उसके जो अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ जो इस तरह का फूल आता था ना, तो उसके बीज अब अच्छे से प्रॉपर तैयार हो गए हैं और ये इनका क्या है ना, ये अपने आप इस तरह से चटक जाते हैं और इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज है वो निकल कर बाहर गिरते भी रहते हैं और इन्हीं में गिरकर वो फिर दूसरे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो हमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, लेकिन हाँ किसी को देना है या दूसरी जगह लगाना है तो थोड़ा सा बीज चाहिए होता है, लेकिन वो कभी ज़्यादा इजी से मिलते नहीं हैं। तो चलिए ऐसे ही आपसे बातचीत करते कल फिर मिलूंगी आपको ऐसे ही एक कलरफुल दुनिया में। खुद का ख्याल रखिए, दूसरों को आनंद देते रहिए और बाय बाय।